मेरा खूबसूरत दृश्य। और तिरंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, इस वक्त भोपाल में हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्रूज से। और इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं क्रूज पर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा की। हर घर तिरंगा अभियान जिससे देश के हर एक व्यक्ति के जज्बे में, दिलो दिमाग में तिरंगे की आन बान शान के लिए विचार और प्रबल और प्रगाढ़ हो, इसके लिए बोट क्लब में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त भोपाल बोट क्लब से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ध्वजा अभिवादन करेंगे। और देखिए हवा में तिरंगे की रंग वाले गुब्बारे छोड़कर इसकी शुरुआत की गई है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर घर तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। मुख्यमंत्री तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और गायन वादन के साथ इस तिरंगे की आन बान शान में सभी एकत्रित हुए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान का ही एक ये अंश है और इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब पहुंचे हैं भोपाल में। इस वक्त देख पा रहे हैं और साथ ही साथ बोट चालक बड़ा तालाब पर सभी एकत्रित हुए हैं बोट क्लब में, जहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और बोट क्लब में तिरंगा लहरा रहा है, चाहे वो तिरंगे झंडे की शक्ल में हो या फिर गुब्बारों की शक्ल में। हर तरफ केसरिया, सफेद और हरा रंग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बोट क्लब पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और बोट क्लब में बड़ा तालाब पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा तालाब पर जुटे हैं सभी और क्रूज पर भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब में। हर तरफ तिरंगा फहरा रहा है और आज इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनके देशभक्ति के जज्बे को भी आप देखेंगे, जहां इस वक्त तिरंगा लहराने के लिए वे बोट क्लब में पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बोट्स में तिरंगा झंडा लगाकर नौका विहार इस वक्त हो रहा है और ये तस्वीरें भोपाल के बड़ा तालाब से आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है बड़ा तालाब। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां यहां पर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए। इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुब्बारों को हवा में उड़ाकर इसकी शुरुआत उन्होंने की है और
इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये भोपाल के बड़ा तालाब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, कई गणमान्य पहुँचे हैं और इस वक्त कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का आयोजित किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भोपाल के बड़ा तालाब से, जहां तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई बोट्स आप इस वक्त देख सकते हैं बड़ा तालाब में तैर रही, और बड़ा तालाब में उन बोट्स पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है और सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति गीतों के बीच वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पहले तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारों को हवा में छोड़कर आजादी का एक संदेश दिया, और ये देखिए ये वही दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारों को हवा में उड़ाकर जो आजादी का एक एहसास, एक आजादी की जो भावना है वो होती, और तिरंगा हाथ में लिए हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, तो सरकार और संगठन दोनों ही के मुखिया इस वक्त यहां मौजूद हैं बड़ा तालाब बोट क्लब पर और सकूज पर। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां चल रहे हैं और देशभक्ति गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और वंदे मातरम के जयघोष का यहां पर गुंज सुनाई दे रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री ने भी वहां पर गीत गाए, सुनवाते हैं आपको। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये बड़ा तालाब पर सभी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां मौजूद हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये देश है वीर जवानों का गीत गाकर सभी की हौसला अफजाई की और देशभक्ति के रंग में रंगे सभी यहां नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सभी वहां मौजूद है और मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल में बोट क्लब ने आज ये तैरती नावों पर तिरंगा छिड़कता हुआ जो नजर आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हम सबका सौभाग्य है। आजादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और उसका परिणाम जो आया वो सुफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, भोपालवासियों को, मेरे साथ यशस्वी खजुराहो सांसद माननीय विश्वधर शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज ये तिरंगा यात्रा एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है, उत्साह उमंग और जोश से शराब और पूरा माहौल, मेरी अपनी ओर से सबको 15 अगस्त की बात। सर अभी दो दिन और रहेगा माहौल, दो दिन और आगे भी कार्यक्रम? हाँ जरूर रहेगा, 15 अगस्त तक रहने वाला, और कोशिश करेंगे कि लेक के अंदर दिख रहा है, मैंने अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है, हम विचार करके जरूर करेंगे कि तिरंगा लगाएं पूरे देश में दिखाई दे बड़ा तिरंगा लेक भोज तालाब में, ये तिरंगा हम सबको प्रेरणा देगा। लेकिन तिरंगे के आनंद से हम सब
वाकई अभिभूत है, बहुत अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम। चलो भैया मौजूद हैं और भोपाल में बड़ा तालाब पर एक बड़ा तिरंगा, एक बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने की योजना है। अब आगे ये कब तक अमल में आएगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा ने सुझाव दिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सुझाव पर अमल किए जाने की भी बात कही। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे मौजूद और उन्होंने तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारों को हवा में छोड़कर आजादी का एक जो संदेश है वो दिया। और इस मौके पर और एक समय जब परिंदों को उड़ाकर इस तरह आजादी का संदेश दिया जाता था लेकिन वो पशु क्रूरता के दायरे में आता है, इसलिए अब वो दौर बदल गया है और अब गुब्बारों को हवा में उड़ाकर वो एहसास, वो संदेश दिया जाता है। क्योंकि पहले आपको कोई परिंदा पकड़ना पड़ेगा, फिर आप उसको पकड़ेंगे और उसे फिर बाद में छोड़कर एक तरह से पशु क्रूरता के दायरे में आता है। और ऐसे में इसलिए अब गुब्बारों को छोड़कर ये संदेश दिया जाता है। तिरंगा यात्रा बड़ा तालाब पर आयोजित की गई बोट क्लब के द्वारा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने आगे भी दो दिन इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहने की बात कही है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के गूंज से गुंजायमान इस वक्त बड़ा तालाब जहां पहुंचे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और हर भारतवासी के, भोपालवासी के हृदय में देशभक्ति की जो भावना है उस भावना को व्यक्त करने का एक तरीका। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है बड़ा तालाब। इस वक्त आज कल और परसों आने वाले तीन दिन इसी तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे और विशेष कार्यक्रमों तक आपको लिए चलेंगे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचे थे बड़ा तालाब पर बोट क्लब की तरफ से आयोजित तिरंगा यात्रा देखने के लिए और तिरंगा लगी बोट्स अपने आन बान और शान भारत के ध्वज को लेकर बड़ा तालाब में।